इसको बोलते हैं पीवीसी। ये जो है ये पीवीसी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज़ रचना। आई अपलोड हियर एवरी डे अबाउट होम मेकिंग एंड माय लाइफस्टाइल टू। इफ यू लाइक सच कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस। और आज दिन है बृहस्पतिवार एंड ये ब्लॉग मंगलवार एंड बुधवार का मिक्स ब्लॉग है। ये बर्थडे गिफ्ट मिला है, मेरी दीदी है उन्होंने भेजा है सूट। अब वो जैसे कि बहुत भारी सा सूट, या सबसे पहले तो वो साड़ी खरीद रही थी मेरे लिए। मैंने बोला साड़ी मैं बहुत ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, बहुत रेयरली पहनती हूँ। कोई ओकेजन हुआ या फिर त्योहार हुआ या जैसे कहीं ज़रूरत है पूजा पाठ में तो पहनती हूँ ज़्यादातर, और कभी मन कर जाए तो पहन लेती हूँ। ज़्यादा तो मैं सूट ही पहनती हूँ, तो मैंने बोला कि सूट दे दो मेरे को। तो वो भी जैसे कि पार्टी वेयर सूट, तो मार्केट से मुझे कॉल किया। मैंने बोला बिल्कुल भी पार्टी वेयर सूट मत लेना, डेली बेसिस का जो सूट होता है बस वो लेना, और वो भी कॉटन में, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा आ गई है ना यहाँ पे। अभी भी पसीना आ रहा है आपसे बात कर रही हूँ तो। अब तो होली के बाद समझ लीजिए कि बढ़िया वाली गर्मी आ जाएगी। तो ये सूट आया है, सो आपको पहन के दिखाऊंगी। इतना प्यारा सूट है, कलर इतना ज़्यादा सूदिंग है, बहुत अच्छा। अभी तो फिलहाल रख रही हूँ। तो डिनर वगैरह सब कुछ हो गया और बज रहे हैं 8:10 रात के। सो सोयाबीन का कीमा बनाया था, और सोयाबीन आप सोचते होंगे कि बनता ज़्यादा है, सब पसंद करते हैं सोयाबीन घर में, तो बस वो और थोड़ा सा दाल दोपहर की बची थी और रोटी। करेला तो था ही, तो करेला तो मैं इसलिए ऐसा बनाती हूँ बढ़ा के, उसको घूम फिर के मैं ही खाती हूँ और कोई नहीं खाता है। मेरी मम्मी भी करेला ज़्यादा पसंद नहीं करती है, वो करेला मैं ही खाती हूँ। जब खाना खाती हूँ थोड़ा सा ले लेती हूँ, तो इस तरीके से 3-4 दिन आराम से चलता है। तो खाना पीना सब हो गया है, अब बस मैं थक तो बहुत ज़्यादा गई हूँ। मुँह हाथ धोऊंगी, कपड़े तय बना के रखे हुए हैं वो लगाऊंगी अलमारियों में, और लगूंगी अपने काम पे। उसके बाद आज जल्दी सो जाऊंगी, कल फिर थोड़ा पास के मार्केट में जाना भी है थोड़ा काम से, तो सारा काम निपट जाएगा तब फिर निकल जाऊंगी। और ये वाला सूट उधार रहा आपको दिखाना, सो पहनूंगी तो दिखाऊंगी। अब भी एक दो दिन में ही पहन लूंगी, मैं तो नए कपड़े रखती ही नहीं हूँ, मैं तो पहन लेती हूँ। वो होता है ना कि जैसे कि रखे रखे कितना समय हो जाता है, याद भी नहीं रहता है। मैं ऐसा काम ही नहीं करती हूँ, साड़ी हो, सूट हो, जीन्स हो, कुछ भी हो, मैं एक दो दिन छोड़ के नया कपड़ा पहन ही लेती हूँ। सो बस यहाँ उठा के रख दिया था सूट, और एक दो दिन में ही इसको पहन लूँगी मैं। और आपने देखा किचन में रोटी बनाते वक्त हम सब बिज़ी थे सीरियल देखने में, इतना समय हो गया साथ में बैठ के सीरियल देखे हुए। तो उसमें किसी बंदे को किडनैप कर रखा है जो उसको कम से कम महीना भर हो गया, उसको छोड़ा नहीं, उसी बात पे मुझे आ रही थी हंसी। बस उसके बाद खा पी के मैं सो गई थी। अब मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो आराम से ज़रा यहाँ खिड़की में बैठी हुई थी। सुबह हो गई है, अभी भी सुबह से उठ के पूरा पसीना वगैरह आना स्टार्ट हो गया है। गर्म पानी पीते हैं ना सुबह उठ के,
तो उससे और ज़्यादा गर्मी लगती है। अब तो थोड़ा जैसे मौसम ऐसा हो ही गया है। बगल में किसी के घर में कुछ काम चल रहा है, सारा दिन ये आवाज़ आती रहती है, काम चलता है। एस्ट्रो आ गया है, एस्ट्रो बैठो बैठो सिट। एस्ट्रो मेरा सुबह से उठ जाता है जल्दी। अभी नहाने जाऊंगी, तब आपको एक वॉशरूम का पूरा टूर करवाऊंगी, क्योंकि उसमें कमेंट सेक्शन में आया था कि किचन का, वॉशरूम का, वार्डरोब का एक एक करके टूर आप कराइए। तो वॉशरूम का आज मैं आपको कराती हूँ कि किस हिसाब से बनवाया है, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, तो आपको भी काफ़ी आइडियाज़ मिलेंगे। और घर जब भी बनाएं तो उसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा रखें। स्टोरेज आप जितना रखेंगे उतना मतलब आपको काम में आएगा। स्टोरेज जो होता है घर में, लाइक किचन में है, पूरे घर में, और ड्रॉज वगैरह भी बहुत सारे निकलवाए हैं मैंने, तो सामान वगैरह रखने की कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा सोचना ही नहीं पड़ता है कि मतलब अगर कुछ पसंद आ गया तो फिर खरीद रहे हैं, कहाँ रखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। स्टोरेज रहता है तो बहुत सही रहता है। सो बस वही जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा के पूजा करूँगी, मेडिसिन लेके नाश्ता करूँगी, फिर अपना किचन का कार्यक्रम शुरू करूँगी। अभी बस नहाने जा रही हूँ, फिर आपको वॉशरूम दिखाती हूँ। ये है अटैच बाथरूम। तो एक तो सबसे छोटी वाली लाइट लगा रखी है ये, इसको मार्केट में बोलते हैं मक्खी लाइट, एकदम छोटी छोटी होती है जो बार काउंटर पे भी लगी हुई है। और बस ऊपर से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ गीज़र का पॉइंट दिया हुआ था तो यहाँ स्पेस था, इसलिए 10 लीटर का गीज़र यहाँ पे लगाया है, बजाज का है। और शावर यहाँ पे लगाया है राउंड, बड़ी वाली लाइट जलाती हूँ। शावर यहाँ पे लगाया है राउंड, और उसी का पूरा सेट है, जैसे कि हैंड शावर हो गया और ये राउंड में हो गया डाइवर्टर, सब कुछ उसी के मैच का जैसे रहेगा। और ये भी राउंड सिस्टम उसके मैच का। और यहाँ पे स्पेस अच्छा खासा है, डेली जो हम लोग सामान यूज़ करते हैं कुछ हमने यहाँ रख रखा है। अभी यहाँ के लिए एक बास्केट लेके आऊँगी, तब यहाँ पे रखूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा, जो लंबाई में आती है। और ये है एग्जॉस्ट, और यहाँ टॉवल टंगाने के लिए, कपड़े वगैरह टंगाने के लिए रैक लगाया हुआ है। और वॉश बेसिन, तो डिस्पेंसर, और ये सब जो थोड़ी सी सजावट की है, यहाँ चलने की है, और टॉवल हैंग करने के लिए, ये सब कुछ ऑनलाइन से मंगाया है। और ये जो है छोटे छोटे, ये तो हर आजकल शॉप वगैरह में, मॉल में मिल जाता है, तो एडहेसिव है चिपका के, ओडोनिल और एयर फ्रेशनर जो होता है वो चिपकाया हुआ है। और ये वाली जो लाइट है ये मिरर के ऊपर दी है मैंने, कॉपर कलर है इसका, काफ़ी अच्छी जलती है। अगर लाइट नहीं भी जलाओ तो भी अच्छी रोशनी होती है, मतलब इसको जलाने के बाद में आराम से ब्रश कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं, मुंह हाथ धो सकते हैं, तो उसके लिए ऐसा लगाया है। और ये जो टाइल्स है ये ग्लॉसी है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वॉल पे, वॉशरूम में हमेशा ग्लॉसी दीजिए, देखने में सुंदर लगता है। और नीचे जो ये टाइल्स देख रहे हैं आप, ये मैट है, तो ये इसी में जैसे मैंने कॉम्बिनेशन मैच किया है तो काफ़ी सुंदर लगता है ये। और नीचे हमेशा फ्लोर में मैट टाइल्स दीजिए, बाथरूम में, वॉशरूम में, तो इससे क्या है कि एक्सीडेंट नहीं होगा। और अगर ग्लॉसी दे देंगे, इस टाइप का ग्लॉसी टाइल्स जो होता है वो अगर आप यहाँ फ्लोर में देंगे तो पाँव फिसल सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये भी यहाँ पे मैंने इस टाइप का लगाया है, इसमें ब्रश, मंजन सब कुछ रहता है। और अब आपको कैबिनेट दिखाती हूँ। उस वॉशरूम में दो कैबिनेट हैं, तो ये इस तरीके से बनाया है, पाइप यहीं से जा रहा है, इसलिए
ये किया हुआ है। अभी इसको थोड़ा सा फिनिशिंग हल्की सी बाकी है और यहाँ जितना भी जैसे कि सामान है वॉशरूम का, ज़्यादातर हमने उसी वॉशरूम में रख रखा है, इसमें थोड़ा कम ही है। और इसको बोलते हैं पीवीसी, ये जो है ये पीवीसी है, इसके मतलब जो प्लाई है, प्लाई के ऊपर पीवीसी की जो शीट होती है वो चढ़ाई हुई है, तो ये वाटरप्रूफ होती है, वॉशरूम में सबसे बेस्ट है ये। और गेट के पीछे भी ये पीवीसी ही है, तो कितना भी पानी लगे कुछ नहीं होगा। और बाहर ये सनमाइका है, तो इस तरीके से बनाया है। और ये जो लॉक है ये बार बार जैसे वॉल पे जाके लगता है, इस वजह से ये ऑनलाइन इजीली मिल जाता है, क्योंकि बार बार लगेगा। अभी ये तो टाइल्स है, बाहर अगर बार बार जैसे वॉल पे लगेगा लॉक जाके तो दीवार भी खराब हो सकती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा है। तो बस ये जो वॉशरूम में ये जो बेसिन है, बेसिन जितने भी हैं घर में सबके नीचे ये ग्रेनाइट लगाया हुआ है, उसी पे ये बिठाया हुआ है। और नीचे बनाया है कैबिनेट और ऊपर में ये 2 से 3 फॉल सीलिंग की ये लाइट दी है, जो कि 3 टोन में जलती है, वाइट, वार्म और ऑफ वाइट, और एक सबसे छोटी लाइट दी हुई है। नीचे जब नहाना हो जाता है सबका तो फिर वाइपर से वाइप कर देते हैं तो वो सही रहता है। लाइक ये ग्लॉसी नहीं है, मैट है, तो नीचे हमेशा मैट ही लगाइए बाथरूम में, वॉशरूम में। सो ये है प्रॉपर वॉशरूम। सो यहाँ नहाना तो हो गया था, उसके बाद मैंने की है पूजा, और पूजा करने के बाद मेडिसिन लेके मैंने ब्रेकफास्ट किया है, थोड़ा काम जल्दी जल्दी निपटाया है क्योंकि मुझे निकलना था बाज़ार और कुछ सामान भी लाना था मुझे। सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ मेरा सारा काम हो गया था, पूजा एंड ऑल, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ, खाना बनाना भी हो गया था, तो बस यहाँ मैं निकल गई थी ज़रा कुछ सामान लेने के लिए। और उसके बाद में अब मैं डायरेक्ट आपसे शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि मुझे दोपहर में आ रही थी नींद और मैंने सोचा कि अब कोई भी काम बाद में करेंगे, हेल्थ पहले है, जाके आराम से 1 घंटा सोई हूँ लंच करने के बाद। और यहाँ बना रही हूँ बहुत महीनों के बाद में बहुत ही सेटिस्फाई वाला जो काम होता है, जिससे बहुत संतुष्टि मुझे मिलती है, वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इतनी भागा दौड़ी में ये जो घर बन रहा था, डेली निकलना पड़ता था, काफ़ी बिजी शेड्यूल था, तो काफ़ी समय से मैं बना नहीं पा रही थी, क्योंकि इसमें लगता है समय। तो रेशियो कुछ इस तरीके से है कि अगर 1 किलो लहसुन है तो 1/2 किलो अदरक ले लीजिए। और वैसे मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी पूरा फुल रेसिपी अदरक लहसुन के पेस्ट का, तो वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। सो पेस्ट बन गया है और इसमें डाला है मैंने 3 नींबू, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे थे, रस काफ़ी कम था, इसलिए 3 नींबू डाला है। और ट्राई कीजिए कि इसको बिल्कुल कांच के कंटेनर में ही रखें, फ़िलहाल मेरे पास नहीं है तो ये जो डब्बा आपको दिख रहा है मैंने इसी में भर के फ्रिज में लगाया है, बाद में ख़रीदूँगी। और ये जो बाहर गई थी मैं सामान लेने के लिए, तो ये 3 डब्बों का तो मैं सेट लाई हूँ, डब्बों की अभी मुझे काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि इकट्ठे में ये डब्बे वगैरह ला नहीं पाई हूँ। और एक तो 11 किलो का है और ये वाला 7 kg का है और सबसे छोटा वाला 5 kg का है, तो बस इसको ले आई हूँ। और कलर भी अच्छा है, सोने जाऊँ दोपहर में उससे पहले ये डब्बे मैंने वॉश करके अच्छी तरीके से रख दिए थे, क्योंकि मुझे इनमें थोड़ा राशन वगैरह भर के रखना था। तो क्वालिटी बहुत अच्छी है डब्बों की, और 3 आए हैं, सो जो सबसे बड़ा वाला है उसमें तो कुछ सामान रख लूँगी। और ये 3-4 डब्बों वाला जो टिफ़िन होता है, छोटा मोटा सामान फ्रिज में लगाने के लिए, ये भी एयरटाइट कंटेनर ही है, तो ये भी ले आई मैं। तो ये जो बड़े डब्बे हैं इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये 600 रुपये के 3 डब्बे का सेट आया है। और एक में मैं रख रही हूँ गोविंदो भोग चावल और एक में रख रही हूँ उसको बोलते हैं थोड़े मोटे वाले सिद्धू चावल, तो कभी कभार जैसे बन जाते हैं ये भी, अदरवाइज इसको जैसे लाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा खरीद के। तो इकट्ठा ही 5 किलो फ़िलहाल मैंने भर लिया है, सो अभी चावल काफ़ी दिन चलेंगे, अभी तो जो 5 किलो उसमें भरा है, वैसे 2 किलो एक्स्ट्रा भी जैसे डब्बों में भर के रखा है डेली यूज़ के लिए। और इसमें रख दिए हैं कुछ सामान ज़रूरी, वैसे जो टंकी है उसमें भी पूरा राशन एक्स्ट्रा फुल करके रखा हुआ है, तो ये डब्बे बहुत ही काम में आते हैं। और ये वाली टिफ़िन भी मैंने ली है, ये 280 रुपये की आई है, इसमें 4 टिफ़िन है,
छोटे बड़े सारे ही साइज़ हैं, तो काफ़ी काम में आती हैं ये सब। ये भी ले लिया। फिर जितना भी राशन लेकर के आई थी मैं, जो जो डब्बे थोड़े खाली थे, जैसे कि यहाँ पे चीनी थोड़ी ख़त्म हो गई थी तो वो मैंने भर के रखी है। और नमक जो है वो काफ़ी सालों से मैं सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ, बट मैं लेकर तो आई हूँ, मुझे 1 किलो का पैकेट नहीं मिला। वो छोटे छोटे जो रहते हैं ना, 150-200 ग्राम के, तो वो मिले हैं, बट वो रॉक सॉल्ट है तो सेंधा नमक ही। दो टाइप का आता है, वो गुट्ठल गुट्ठल है एकदम, तो उसको फिर मैंने लास्ट में मिक्सी में पीसा है। और ये डिश वॉश बार भी ख़त्म हो गया था, तो बड़ा ही ख़रीद लिया, तो काफ़ी कुछ राशन वगैरह ज़रूरत का सामान मैंने स्टोर कर ही लिया है। और ये किचन की बॉटल है हैंड वॉश वाली, जिससे मैं बर्तन वगैरह धो के हैंड वॉश करती हूँ। तो ये सब सारा सामान तो ऑनलाइन से आंचल नहीं मंगाया था। और ये देख लीजिए, ये जो नमक मैं लेकर के आई हूँ, ये है तो सेंधा नमक ही, रॉक सॉल्ट लिखा हुआ है, बट एकदम गुठल गुठल जो होता है ना, मोटा मोटा। तो फिलहाल तो मैंने डब्बा बंद किया, मगर मेरा मन नहीं माना, मैंने सोचा कि अब मैं इसको मिक्सी में पीसूंगी नमक को, वरना बार बार उसको हाथ से तोड़ के कौन डालेगा। और बहुत टाइट थे, और हमारे एस्ट्रो बाबू को देख सकते हैं आप, आराम से बैठा है, सारे सब लोग काम कर रहे हैं और ये आराम से बैठा है। एट लास्ट नीलू और मनीषा आए थे मिलने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगा। जैसे कि अभी फ़िलहाल ये लोग यहीं पर हैं, अभी कोलकाता से निकले नहीं हैं, तो बीच बीच में आ जाते हैं। काफ़ी अच्छा टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया साथ में। और बस एक ही चीज़ है कि अगर हम सफ़र अच्छा हो ना, तो सफ़र बहुत अच्छा निकल जाता है आपकी ज़िंदगी का। तो इन दोनों की जोड़ी हमारे घर में हिट है, इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है हस्बैंड वाइफ की। तो सब कुछ बस उसी पे निर्भर करता है कि हस्बैंड वाइफ अगर एक दूसरे का बहुत केयर करते हैं और सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो ज़िंदगी कैसे निकल जाती है, कैसे कट जाती है पता नहीं चलता। सो हमसफ़र का अच्छा होना और लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सफ़र अच्छा हो तो ज़िंदगी फिर बहुत आसानी से कट जाती है। सो बस यहाँ हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, कचौड़ी और मालपुए खिलाए, दोनों को बड़े पसंद आए। और फिर उसके बाद में बस वो लोग बैठे ही हुए थे, सो मैंने उठ के यहाँ पे पीस लिया है नमक। तो ये इजी टू यूज़ हो जाएगा, वो जो गुठल गुठल बने हुए थे वो यूज़ करने में कन्वीनियंट नहीं रहते हैं। सो पहले मैंने आधे घंटे पहले ही ये मिक्सर का जार अच्छी तरीके से वॉश करके सुखा के और पंखे के नीचे रख दिया था, तो इजीली ये पिस गया है नमक। अब इसको मतलब आराम से यूज़ किया जा सकता है। तो ये नमक ऐसा आ गया है, अदरवाइज़ जो मैं लेकर के आती हूँ सेंधा नमक, अगर सेंधा नमक ना मिले तो मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, मगर नॉर्मल वाला जो वाइट नमक होता है वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ बहुत सालों से, तो ब्लड प्रेशर के लिए भी काफ़ी सही रहता है ये। सो बस इसको भर लिया था। उसके बाद और भी काफ़ी देर हम लोग बैठ के यहाँ बातचीत करते रहे हैं, और एट लास्ट ये लोग निकल गए थे। सो बस इसी तरीके से हो गई सुबह से शाम। चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।